नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट, लॉटरी या दलाली के माध्यम से प्राप्त होने वाले धन योगों के विषय में चर्चा करेंगे। यदि हमारी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो किस प्रकार से आप उन्हें देख पाएंगे, इसे समझेंगे। यदि आप चैनल पर न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञान वर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें यह समझना होगा कि शेयर मार्केट दलाली के लिए किन भावों को देखा जाता है और किन ग्रहों को देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कुंडली के पंचम भाव से। कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो ये शेयर मार्केट, दलाली, ठीक है, लॉटरी इत्यादि से धन प्राप्ति के योगों के विषय में जब भी बात चल रही हो तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाना चाहिए और कुंडली का पंचमेश ग्रह देखा जाना चाहिए। पंचम भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं ये हमें देखना होगा। इसके अलावा पंचमेश कहाँ पर बैठा हुआ ये हमें देखना होगा। ये किस प्रकार से देखेंगे इस पर अभी हम विचार करेंगे। ध्यान रखें कि पंचम भाव इसके लिए महत्वपूर्ण भाव है और पंचमेश एक महत्वपूर्ण ग्रह है, ठीक है। मित्रों, इसके लिए दूसरा भाव है कुंडली का नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं। देखिए, जब भी लॉटरी की बात चल रही हो या फिर शेयर मार्केट की बात चल रही हो या दलाली की बात चल रही हो तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का योगदान अवश्य रहता है, क्योंकि बिना भाग्य के ये चीज़ें प्राप्त हो पाना संभव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है क्योंकि देखिए, इन चीज़ों में जातक की मेहनत ज़्यादा नहीं लगती बल्कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसके लिए नवम भाव देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं उसका भाग्य यदि सपोर्ट करेगा तभी जाकर इन चीज़ों में उसे लाभ प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। तो पंचम भाव के बाद दूसरा भाव हुआ नवम भाव, यानी आपको भाग्येश की स्थिति देखनी होगी। भाग्येश यदि शुभ अवस्था के होकर लक्ष्मी स्थानों में विशेष रूप से बैठ जाएं, यानी पंचम भाव अथवा नवम भाव में बैठ जाएं, या धन भाव या कह सकते हैं कि लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं, या शुभ होकर केंद्र या त्रिकोण के किसी घर में बैठे हों लेकिन उच्च अवस्था के या फिर स्वराशि के बैठे हों, तो इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। ध्यान रखें, एक बात के आधार पर हमें यह तय नहीं करना है, पंचमेश देखना है, नवमेश देखना है, इसके अलावा दूसरे ग्रह की हम बात कर रहे हैं उसे भी देखना जरूरी होता है। ये विचार करते हैं। मित्रों, ग्रहों की यदि बात करें तो राहु ग्रह की स्थिति देखना अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि राहु को अचानक से धन प्राप्ति के लिए कारक ग्रह माना जाता है। शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त करना हो, दलाली में लाभ प्राप्त करना हो अथवा लॉटरी से आपको कहीं ना कहीं धन का आगमन हो जीवन काल के दौरान, ध्यान रखें तो उसके लिए राहु की स्थिति भी देखना जरूरी हो जाता है। राहु या केतु का संबंध कुंडली के पंचम भाव से यदि बन रहा है विशेष रूप से, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के योग निर्मित हो सकते हैं। ध्यान रखें, केवल ये एक पहलू हुआ, पूरी बात पर अभी हम विचार करेंगे। मित्रों, आइए आज के पहले ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में ही बैठा हो अथवा पंचमेश कुंडली के नवे भाव में बैठे या फिर लाभ भाव के अंदर बैठे या फिर धन भाव के अंदर बैठे, तो ऐसी परिस्थिति में शेयर मार्केट, दलाली या लॉटरी से धन प्राप्ति के योग जातक के जीवन काल में निर्मित होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि पंचमेश ग्रह पर्याप्त अंश बल के साथ इनमें से किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव और यदि नवम भाव की बात करें तो ये लक्ष्मी स्थान कहे गए हैं, ठीक है। धन भाव की बात करें तो ये धन का भाव है, आपका धन संचय का भाव है, और लाभ भाव की बात करें तो ये जीवन में प्रॉफिट का भाव है। तब यदि पंचमेश इन भावों से संबंध बनाता है और राहु कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में लॉटरी, शेयर मार्केट और दलाली से जीवन में धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। ध्यान रखें, कुंडली का लग्न और लग्नेश ग्रह मजबूत होना चाहिए और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, तभी वह इस प्रकार के लाभ दे सकते हैं। अब देखिए, लाभ कब मिलेंगे, मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए, ठीक है, जब धनेश में पंचमेश का अंतर आएगा या पंचमेश में धनेश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित होंगे। और यदि मान लीजिए पंचमेश आपका लाभ भाव के अंदर बैठा है तो लाभेश में जब पंचमेश का अंतर आएगा या पंचमेश में लाभेश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए कि पंचमेश कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो नवमेश में पंचमेश या फिर पंचमेश में नवमेश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह धन भाव के अंदर बैठे हैं तो आपको धनेश की स्थिति पर भी विचार करना है। कहीं धनेश यदि स्वराशि या उच्च राशि के होकर शुभ घरों के अंदर, यानी केंद्र अथवा त्रिकोण के घरों के अंदर बैठे हैं, मित्र क्षेत्रीय होकर, तब आपको लाभ दिखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि पंचमेश धन भाव के अंदर बैठे हैं और धनेश खुद नीच राशि के होकर बैठ जाएं अथवा पीड़ित हो जाएं या शत्रु राशि के द्वारा या शत्रु ग्रहों के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में अच्छे लाभ नहीं कहे जा सकते। इस बात को थोड़ा सा हमें गहराई से समझ लेना चाहिए ताकि हमें फलों को समझने में आसानी हो। मित्रों, आइए आज के दूसरे ज्योतिषी सूत्र को समझते हैं। दूसरा ज्योतिषी सूत्र कुछ इस प्रकार से है, यदि कुंडली के नवम भाव के अंदर राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, ठीक है, और नवमेश कुंडली के नवम भाव में ही बैठा हो, इसके साथ नवमेश यदि नवम भाव में ना हो तो कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो या फिर कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठा हो या कुंडली के धन भाव के अंदर बैठा हो,
तब भी इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। कब निर्मित होंगे? जब कभी भी नवमेश में राहु का अंतर या राहु का नवमेश में अंतर आएगा तब, या फिर मान लीजिए कि नवमेश कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठे हैं तो पंचमेश में नवमेश का अंतर या नवमेश में पंचमेश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित होंगे। नवमेश मान लीजिए धन भाव के अंदर बैठ जाए तो धनेश में नवमेश का अंतर आएगा या नवमेश में धनेश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए नवमेश कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए तो एकादश में जब नवमेश का अंतर आएगा या नवमेश में जब एकादश का अंतर आएगा तब इस प्रकार के योग निर्मित हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान रखें कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। इसके अलावा लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। नवमेश जिस भाव में जाकर बैठे हैं वहाँ का राशिपति उच्च और बलवान होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में मित्र क्षेत्री होकर बैठा हो तभी वह ग्रह अपना लाभ दे पाएगा। मान लीजिए कि नवमेश कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ तो गए हैं, राहु भी कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर धनेश की स्थिति, धनेश यहाँ ना बैठकर छठवें आठवें या बारहवें भाव के अंदर बैठ जाए नीच राशि शत्रु राशि के पीड़ित होकर, तब यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। मित्रों आइए आज के तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए बुध की राशि यानी बुध की राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि और कन्या राशि यानी तीन नंबर और छह नंबर। तो बुध की राशि यदि कुंडली के पंचम भाव में लिखी हुई है आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है, और राहु ग्रह भी वहीं पर बैठे हुए, फिर से सुनिए, बुध की राशि तीन या छह यानी मिथुन राशि या कन्या राशि कुंडली के पंचम भाव में लिखी हो, राहु ग्रह यहां पर बैठे हों, ठीक है, और बुध ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं अथवा कुंडली के नवे भाव के अंदर बैठ जाएं अथवा कुंडली के धन भाव के अंदर अथवा कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी शेयर मार्केट दलाली से धन प्राप्ति के योग जीवन काल में निर्मित होते हैं। आप देख लीजिए कि तीन नंबर या छः नंबर पंचम भाव में लिखा हुआ होना चाहिए, बुध ग्रह धन भाव लाभ भाव पंचम भाव या नवम भाव में बैठे हों, ठीक है, पर्याप्त अंश बल के साथ, और जिस भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ का राशिपति यानी जिस भी भाव में बैठा हो वह लेकिन स्वराशि उच्च राशि के होकर मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए केंद्र अथवा त्रिकोण के अंदर, ठीक है, तब इस प्रकार के योग जीवन काल में निर्मित होते हैं। इसके अलावा लग्न और लग्नेश भी बलवान होना चाहिए ताकि ग्रह जो फल दें उसका लाभ जातक को मिल पाए। आइए आज के चौथे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। चौथा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के भाग्य भाव के अंदर तीन नंबर का राशि का अंक लिखाओ या फिर छः नंबर का राशि का अंक लिखाओ यानी मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो, राहु ग्रह कुंडली के या तो पंचम भाव में बैठे हों या फिर कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठ जाएं। इसके अलावा बुध ग्रह की स्थिति देखें आप, बुध ग्रह कुंडली के या तो पंचम भाव में बैठे या फिर कुंडली के नवम भाव के अंदर बैठे अथवा कुंडली के धन भाव के अंदर या फिर कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी शेयर मार्केट दलाली अथवा लॉटरी से जीवन काल में धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि बुध ग्रह की स्थिति जिस भी भाव में हो यानी जिन चारों भावों की हमने बात करी उनका भावपति यानी उसमें जो राशि का अंक लिखा हो उसके राशिपति की स्थिति मजबूत अवस्था होनी चाहिए, या तो लाभ भाव धन भाव केंद्र के घर अथवा त्रिकोण के घर में स्वक्षेत्री या फिर मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों तभी ये ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को लाभ दे सकते हैं। ध्यान रखें ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना जरूरी है। ग्रह बाल्यावस्था का या मृत अवस्था का होगा अथवा अस्त का होगा तो अपना सही प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में इनसे लाभ लेने के लिए इनके उपाय करना आवश्यक हो जाते हैं। मित्रों यहाँ पर ध्यान दें कि यदि मान लीजिए जैसे कि बुध ग्रह धन भाव के अंदर बैठा है तो आपको धनेश की स्थिति देखनी, ठीक है, और यदि लाभ भाव के अंदर बैठा है तो आपको लाभेश की स्थिति भी देखना जरूरी होता है, और साथ साथ जब भी धन प्राप्ति की बात चल रही हो तो गुरु ग्रह की स्थिति जरूर देखें क्योंकि गुरु ग्रह को धन का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है। लग्न और लग्नेश यदि मजबूत हुआ तो जातक को इनका लाभ मिल पाता। देखिए कई बार देखा यह जाता है कि जातक को लाभ मिल जाता है परंतु वह उसका फायदा नहीं उठा पाता, उसका कारण यही है कि या तो लग्न कमजोर होगा या लग्नेश कमजोर होगा अथवा दोनों कमजोर होकर बैठे हुए होते हैं। मित्रों कार्यक्रम यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।